नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अपने स्पेशल टॉपिक से चल रही थी आज, उसके अंदर अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक नया चैप्टर, नया टॉपिक अपने पास, जिसके अंदर अपने रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। तो ये आज हमने थर्ड क्लास देगी है स्पेशल टॉपिक सीरीज में। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, अल्टरनेटर्स होते हैं, या इनकी रेटिंग ली जाती है, वो किसमें ली जाती है और क्यों ली जाती है, आज हमने उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं कि फ्यूज की, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, इसके अलावा एमसीसीबी हो गया, और आरसीसीबी हो गया, इसके अलावा आपके पास हो गया ईएलसीबी, और एक हो गया सर्किट ब्रेकर। ये सारी की सारी जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है, एक अपने पास रेल लग चुकी है, ये सारी की सारी क्या है, सुरक्षा युक्तियां। इन सुरक्षा युक्तियों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इन सभी के अंदर रेटिंग जो है किस तरीके से ली जाती है, तो फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, सर्किट ब्रेकर और रिले। अब एक चीज ध्यान में, यहाँ जो रिले मैंने आपको बताई है, रिले करंट के अकॉर्डिंग भी तैयार किए जाते हैं, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, फ्रिक्वेंसी के अंदर कलांतर, ये अलग अलग प्रकार से तैयार की जाती है। तो रिले की रेटिंग जो होगी वो धारा, वोल्टता, ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना धारा होगी, वोल्टता होगी, इसके अलावा कलांतर होगी, आवृत्ति होगी, ये सभी प्रकार से क्या की जाती है, तैयार की जाती है। ये आपने क्या लिख सकते हैं, कलांतर हो गया, या इसको क्या लिख सकते हो, इसके अलावा फेज अंतर हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब जो रिले होगी वो वोल्टेज, करंट, इसके अलावा तापमान, ये अलग अलग अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। तो ये बात अपने को यहां से याद रखनी कि रिले की रेटिंग वो करंट के अकॉर्डिंग भी होती है और वोल्टेज के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि रिले को जो रेट किया जाता है वो किसमें रेट किया जाता है, वो करंट के अकॉर्डिंग में रेट किया जाता है, वोल्टता के भी और कलांतर के भी। सर्किट ब्रेकर जो होती है, इसकी जो रेटिंग होती है वो एमवीए में ली जाती है, या आपको बोल सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो होती है उसकी रक्चरिंग कैपेसिटी जो होती है, विदारण क्षमता जो होती है, या ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसमें ली जाती है, वो ध्यान में किसमें ली जाती है, एमवीए। इसके अलावा अगर आपके पास एचआरसी फ्यूज होते हैं, एचआरसी फ्यूज होते हैं, सर्किट को ब्रेक करने की जो क्षमता होती है, इसको भी किसमें लिया जाता है, एमवीए में ही लिया जाता है। बात करते हैं फ्यूज, फ्यूज के जो रेट किया जाता है वो एमवीए में किया जाता है, एमसीबी को भी एमवीए में किया जाता है और एमसीसीबी को भी एमवीए में ही किया जाता है, यानी कि इन सभी की जब आप लोग खरीदने जाओगे तो आप लोग उसको करंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सर्किट के अंदर लगाया जाता है और करंट के अकॉर्डिंग इसको परचेज किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे आरसीसीबी और ईएलसीबी की, ये दोनों काम क्या करती है, अर्थिक गैस को रोकने का काम करती है, तो इनको जो रेट किया जाता है वो किया जाता है मिली एमपीए के अंदर। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। तो एक बार आप दोबारा देखें, ये जितनी भी मैंने आपको बताई है सारी सारी सोशल लिखती है, एचआरसी फ्यूज के जो ब्रेकिंग कैपेसिटी या रैप्चरिंग कैपेसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो एमवीए में होगी, इसकी भी एमवीए में होगी। रिले को रेट किया जाता है वो धारा, वोल्टता, कलांतर, इस तरीके से अलग अलग चीजों में रेट किया जाता है। ईएलसीबी या आरसीसीबी जो होती है अर्थिक गैस को रोकने का काम करती है, इसका मतलब इनको जो अपने रेट करेंगे वो मिली एमपीए में करेंगे। एमपीए फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, इनको किसमें रेट किया जाता है, एमपीए में किया जाता है। उसके बाद में देखें तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये सारी सूचना होती है। उसके बाद हमने मशीनों के बारे में बात करेंगे कि जो मशीनें जो होती है, जैसे कि एक होती है अपने पास डीसी मोटर, डीसी जनरेटर हो गया, इसके अलावा आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, अल्टरनेटर देखा होगा, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा चाहे सिंगल फेज मोटर हो, चाहे थ्री फेज मोटर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, इनको किस तरीके से रेट करेंगे वो देखें आप लोग। देखो डीसी मोटर होते हैं, मोटर कोई मर्जी हो, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, इनको किलोवाट या एचपी में ही रेट किया जाता है, किलोवाट या क्या किया जाता है, एचपी में ही रेट किया जाता है, ये बात आपको यहां से याद रखनी है। इसी तरीके से जो डीसी मोटर होगी उसको भी क्या करेंगे, किलोवाट या एचपी करना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एचपी जो होगा, अगर मीटर की अगर उन्हें बात करें तो ये 735.5 वाट होगा, और अगर इसी को अगर आप ब्रिटिश पद्धति के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो एक एचपी का जो मान होगा वो 746 वाट होगा। अपने यहाँ जो पद्धति चलती है वो मेट्रिक पद्धति चलती है, और जो यूरोपीय देश होते हैं वहां ब्रिटिश पद्धति चलती है। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ जो टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, या कई देशों के अंदर इसको फारेनहाइट में किया जाता है। इसी तरीके से जो वेट होता है वो भार जो होता है अपना वो केजी, या द्रव्यमान जो होता है वो केजी के अंदर, या कई देशों के अंदर वहां पाउंड के अंदर यूज किया जाता है। अब बात करें डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर जो होगा इसको केडब्ल्यू में रेट किया जाता है, और जो ट्रांसफार्मर होगा इसको केवीए के अंदर या एमवीए के अंदर, अल्टरनेटर होगा इसको भी केवीए या एमवीए,
तो यहां ध्यान ट्रांसफार्मर को जो रेट करेंगे वो केवीए या एमवीए के अंदर करेंगे। इसी तरीके से सिटी हो गया, पीटी हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। अगर अलग अलग रेट दें तो भी ध्यान, इनको जो रेट करेंगे वो वोल्ट एम्पीयर में रेट करेंगे। या अगर बड़ा साइज होगा तो इसको आप लोग आप क्या कर सकते हो, केवीए में भी रेट कर सकते हो और एमवीए में भी रेट कर सकते हो। इसका तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो डीसी मोटर की रेटिंग जो होगी वो स्पीड में नहीं जाती। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो मशीन जो होती है, मोटरें जो होती है, वो यात्री काम करती है कोई ना कोई, इसलिए इनको काम किया जाता है, इनकी तुलना जो की जाती है वो हॉर्स या घोड़े से की गई, इसलिए इनकी रेटिंग जो होती है वो स्पीड में ली जाती है। जनरेटर की किलोवाट में ली जाती है, क्योंकि जनरेटर जो होगा उसका आउटपुट होगा वो लोड पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए इसको केडब्ल्यू में रेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर जो होगा इसमें ध्यान रखना कि जो लो हानियां होती है, आयरन लॉस होते हैं वो वोल्टेज पर, और जो कॉपर लॉस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, धारा पर। इसलिए जो टोटल लॉस होंगे वो वोल्ट एम्पीयर में होते हैं, इसलिए यहाँ इनको जो रेट किया जाता है वो केवीए या एम्पीयर में किया जाता है। उसके बाद में देखें इसी तरीके से अगर आपके घरेलू जो डोमेस्टिक उपकरण होते हैं, घरेलू अगर उपकरण की बात करें तो घरेलू उपकरणों को आप लोग काम किया करते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, इनको किस में रेट करोगे, आप लोग वाट में रेट करते हैं कि घरेलू पंखा हो गया इनको किस में रेट किया जाता है, किस में इनकी शक्ति या क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है, तो वाट में किया जाता है। और इसी तरीके से जो इंडक्टर होता है या इसी तरीके से संधारित्र होता है, तो ये ध्यान रखना जो इनको रेट करते हैं वो केवीए या प्रतिकारक शक्ति के अंदर क्या करते हैं, रेट करते हैं। क्योंकि जब पावर फैक्टर का मान खराब होगा या पावर फैक्टर का मान सुधरेगा तो ये केवीएआर के कारण होता है, ये प्रतिघाती शक्ति के कारण क्या होगा होगा। तो ये आज के कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको इसके बाद भी कुछ ऐसा लग रहा हो, कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमें इस पार्ट के अंदर नहीं कराया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कुछ जो बचे होंगे किसकी रेटिंग किसमें ली जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी रेटिंग किसमें ली जाती है। इसके अलावा एक इन्वर्टर होता है, ठीक है, और इसको जो आप लोग रेट करोगे ये ध्यान के डब्ल्यू के अंदर रेट करोगे, तो ये बात आपको यहाँ से आ जाएगी। तो आज के वीडियो में सुनने देखते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।